हेलो फ्रेंड, देखिए आज हम बनाने वाले हैं भरमा बैगन मसालेदार। तो देखिए ये बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने ये छोटे वाले बैगन लिए हैं, जो छोटे छोटे बैगन आते हैं वो वाले बैगन लिए हैं ये हमने। तो इनको हम इस तरीके से छील लेंगे पहले साइड से। ये देखिए डंठल की साइड से इस तरीके से छील देंगे। अब देखिए मैं आपको एक कट कर दिखा रही हूँ। इस तरीके से हम इसमें कट लगा लेंगे और बैगन को अच्छे तरीके से देख लेंगे अंदर से कोई कीड़ा तो नहीं है। देखिए बैगन में कोई कीड़ा नहीं है। अब इसको हम अंदर से खाली कर लेंगे। इस तरीके से हमें इसको अंदर से खाली कर लेना है। ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का कट लगाकर इसको इस तरीके से खाली कर लेंगे, जिससे कि जो हम इसमें मसाला भरेंगे वो अच्छे तरीके से भर जाए। देखिए फ्रेंड इस तरीके से हम इसको खाली कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हम सारे बैगन को तैयार कर लेंगे। और इनको कट लगाकर हमें पानी में डालते रहना है, जिससे कि बैगन काले ना हो। देखिए इसी तरीके से हम सारे बैगन तैयार कर लेंगे। देखिए मैं एक और दिखा रही हूँ। देखिए चाकू की सहायता से इस तरीके से आप कट लगाकर फिर इसको आसानी से खाली कर सकते हैं अंदर से। ये देखिए ये बहुत ही आसानी से कट लगाकर खाली कर लिए जाते हैं बैंगन। तो देखिए हमने इसको खाली कर लिया है। इसको भी हम पानी में डाल देंगे। ये देखिए हमने सारे बैगन को पानी में डाल लिया है और उनको इसी तरीके से पानी में रहने देंगे जब तक हम इसका मसाला तैयार करेंगे। और ये जो हमने बैगन के अंदर से ये पल्प निकाला है इसको हमें फेंकना नहीं है, इसको हम मसाले में यूज़ करेंगे। इसको हम छोटा छोटा बारीक कर कर कट कर लेंगे। और यहाँ पर हमने ये कढ़ाई ले ली है, गैस ऑन कर दिए हमने। कढ़ाई में तेल डालेंगे। यहाँ पर हमने देखिए सरसों का तेल लिया है। आप जो भी खाने का तेल यूज़ करते हैं आप वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल को अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे। और यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें हमने आधा चम्मच जीरा डाला है। और देखिए यहाँ अब हम इसमें हींग डालेंगे। ये एक चुटकी हींग ली है हमने, इसको भी इसमें डाल देंगे तेल में और अच्छे से फ्राई होने देंगे जीरे को और हींग को। और ये हमने प्याज और हरी मिर्च को हमने चॉपर में चॉप कर लिया है बारीक। ये दो प्याज हैं और तीन से चार हरी मिर्च।
इसको भी हम तेल में डाल देंगे। प्याज को चला देंगे और प्याज को हमें हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। और ये देखिए, हमने 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है, इसको भी हम मिक्स कर देंगे। इसको हम अच्छे तरीके से भुनने देंगे प्याज के साथ ही, एक अच्छा सा कलर आ जाए तब तक हम इसको भून लेंगे। और ये देखिए, प्याज का कलर चेंज हो गया है, प्याज अच्छे तरीके से भुन गई है। और ये हमने आधा चम्मच से भी कम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है कलर के लिए, और 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, सबको मिक्स कर देंगे। और गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है, थोड़ा सा पानी डालकर मसालों को अच्छे से भून लेंगे। और ये टमाटर को हमने बारीक काट कर ले लिया है, आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं, इसको भी मिक्स कर देंगे, मसाले में अच्छे तरीके से पकने देंगे। और ये हमने इसमें आधा चम्मच नमक डाल दिया है, और ये आधा चम्मच गरम मसाला, और सबको मिक्स कर देंगे। और थोड़ा सा पानी डालकर मसाले को अच्छे तरीके से भुनने देंगे। जब तक कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए और मसाले से तेल ऊपर आ जाए तब तक हम इसको भून लेंगे। देखिए भुन गया है, इसको भी इसमें मिक्स कर देंगे। इसको ढककर हम धीमी आंच पर ही सॉफ्ट होने तक पकने देंगे। देखिए सॉफ्ट हो गया है, देखिए चम्मच से इस तरीके से दबाते हुए इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। ये देखिए, मसाले को बैगन में भरकर दिखाते हैं, मसाला अच्छे तरीके से भुन गया है, तो हमने गैस बंद कर दिए। और ये देखिए बैगन में भरकर दिखा रहे हैं आपको, चम्मच की सहायता से इस तरीके से सारे बैगन में भर लीजिए मसाले को। ये देखिए, मैं आपको एक और बैगन भरकर दिखाती हूँ, इस तरीके से चम्मच से मसाले को बैगन में भर लीजिए। देखिए इसी कढ़ाई में हम अब बैगन को पकने के लिए रख देंगे। देखिए इस तरीके से हम सारे बैगन को लगा देंगे। देखिए हमने सारे बैगन लगा दिए हैं कढ़ाई में अच्छे तरीके से। अब इसी के साथ ही हमने आधा कप पानी लिया है, इसमें हम आधा कप पानी डाल देंगे जिससे कि बैगन अच्छे तरीके से गल जाए। इसको हमने ढक दिया है। और ये देखिए 10 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेंगे। देखिए बैगन अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। देखिए ये बैगन बहुत टेस्टी लगते हैं, एकदम मसाले वाले। आप भी इस तरीके से बनाकर ज़रूर देखिए। अब हम इस पे धनिया डाल देंगे, ये हरा धनिया कट कर कर ले लिया है हमने, 1 से 2 चम्मच। अब देखिए बैगन अच्छे तरीके से पक चुके हैं, एकदम सॉफ्ट हो गए। देखिए हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए अच्छे तरीके से पक गए हैं बैगन।
देखिए हमने बैंगन को प्लेट में निकाल कर दिखा दिया है। इस तरीके से आप बैंगन बनाइए और खाइए, बैंगन बहुत टेस्टी लगते हैं। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।